नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आरएन टेक्निकल चैनल। तो आज नया कुछ सीखते हैं। तो दोस्तों, रोज की तरह फिर से एक नया एडिटिंग मैं आप लोगों के लिए लेके आ रखा हूँ। तो आज का एडिटिंग है हमारा टेक्स्ट बिहाइंड द पर्सन। ठीक है, टेक्स्ट बिहाइंड द पर्सन आप बहुत लोगों का वीडियो देखते हो। ठीक है, जैसे लोग चलते हैं उसके पीछे में नंबर खोलते चला जाता है, या कोई आदमी बात कर रहे बैठ के उसके पीछे में आप राइटिंग्स वगैरह टेक्स्ट वगैरह देखते हो। तो उसे एडिटिंग करते कैसे, बहुत सारे ऑप्शन है। आप कैपकट पे करते हैं, या वीएन पे करते हैं, या फिल्मोरा पे करते हैं, बहुत सारे एडिटिंग एप्स वगैरह है उस पर करते हैं। लेकिन आज हम उस टेक्स्ट को काइन मास्टर पे एडिटिंग करके देखेंगे कि उसे एडिटिंग करते कैसे है। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा मेरे ख्याल से इसमें दिक्कत नहीं होने वाला, आप आराम से समझ जाओगे मेरे ख्याल से। लेकिन जिस तरीके से मैं बताऊंगा उसी तरीके से आपको एडिटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत सिंपल है और ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी चल रहा है। इस तरीके का वीडियो आप शॉर्ट्स वीडियो में डाल सकते हो, किसी भी इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए, या यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो के लिए आप यूज़ कर सकते हो, या इसी तरीके का वीडियो बना के आप यूट्यूब वीडियो पर भी डाल सकते हो। तो बहुत मज़ेदार होता है ये वीडियो बनाने का, और बहुत मज़ेदार होता है इसका एडिटिंग करने का स्टाइल। मैं बिना देर करते हुए मैं लेकर चलता हूँ आपको मोबाइल की स्क्रीन पे, और मैं आपको बताता हूँ वहाँ पे इस तरीके का टेक्स्ट बिहाइंड द ऑब्जेक्ट एडिटिंग करते कैसे। सो जाने से पहले दोस्तों, मैं हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, एडिटिंग करने में, शूट करने में। ठीक है, मैं खुद ही अपनी वीडियो को शूट करता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, बहुत टाइम लगता है। आप लोगों को एक फेवर कर देना है मेरे ऊपर, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो देखने के बाद। अगर वीडियो पसंद आया तो, मैं सिर्फ ये बोलता हूँ, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और उस मेहनत का फेवर मुझे तब मिलेगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक भी जरूर कर देना। विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। सो रेडी हो, लेट्स गो। तो दोस्तों, फाइनली हम आ गए अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। यहाँ पे आप काइन मास्टर देख सकते हो, ये काइन मास्टर मैंने ओपन कर दिया। बस दो तीन स्टेप है, ठीक है, दो तीन स्टेप है। अब जैसे दो तीन स्टेप आप फॉलो करते हो उसके बाद में आपको ही एडिटिंग रेडी हो जाता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक वीडियो है ना, आपका डार्कनेस में शूट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको व्हाइटनेस में शूट करने के लिए कुछ और एडिटिंग करना पड़ेगा। लेकिन डार्कनेस में जैसे आप शूट करते हो, आपका वीडियो बिल्कुल डार्क है, आप पूरा डार्कनेस में आप दिख रहे हो, तो उस तरीके से क्या होता है, आपका वो एडिटिंग करने में और ज़्यादा आसानी हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक वीडियो ले रखा है जो डार्कनेस पे है। ठीक है, मैं इस पर आपको एडिटिंग करना सिखाऊंगा। ये देखिए, ये सारे वीडियो डार्कनेस में है। ठीक है, ये वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है अभी, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे आप अपना टेक्स्ट लगा के कैसे। ठीक है, तो बहुत बहुत सिंपल, आपको बस दो तीन स्टेप फॉलो करना है और आपका ये वीडियो रेडी हो जाने वाला है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप यहाँ पे क्लिक कर दिया, आपको यहाँ पे क्या करना है, टेक्स्ट लगाना है। ठीक है, तो टेक्स्ट लगा हम लिखेंगे यहाँ पे, टेक्स्ट में हम लिखेंगे, जैसे मैं इसे बड़े उसमें कर देता हूँ, ठीक है, अल्फाबेट में कर देता हूँ, जैसे माई, मैं लिखता हूँ विंग्स, WINGS विंग्स। ठीक है, इसे ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब ये यहाँ सेलेक्ट हो गया, मैं इसे बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, इसे मैं पूरे स्क्रीन पे यहाँ पे ऐसे करके बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, अब इस पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक फॉन्ट मैं इसे पहले पूरे इस वीडियो पे लगा देता हूँ। ठीक है, मैं पूरे वीडियो पे यहाँ पे यहाँ तक मैं लेके चला जाता हूँ, वीडियो जहाँ तक है वहाँ तक इसको लेके चले जाना है। ठीक है, जहाँ तक आपको फॉन्ट लगाना है यहाँ पे हमने लेके चला गया। ठीक है, अब इस पे हमें क्या करना है, एक फॉन्ट देना है। ठीक है, फॉन्ट हम देंगे यहाँ पे कुछ बढ़िया सा, रॉबर्ट ब्लैक बोल्ड दे देते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ फिर से, लेकिन मेरे को ये थोड़ा पसंद नहीं है, मैं दूसरा चेंज करता हूँ एक। ठीक है, और नीचे में जाता हूँ, ये वाला देखता हूँ, ये थोड़ा अच्छा है। ठीक है, ये थोड़ा बढ़िया सा दिख रहा है आपको। ठीक है, मैं ऐसे ऐसा करके बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है, अब इसे हमें क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के आगे लेके जाना है और ऑब्जेक्ट को पीछे दिखाना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट पूरा दिखना चाहिए और ये नंबर जो है वो हाफ दिखना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे जाएंगे, आपको ये यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा ब्लेंडिंग का। ठीक है, तो ब्लेंडिंग में क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओवरले, ओवरले पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए, ये पूरा स्क्रीन आपका पीछे चला गया, आप इसे जहाँ भी सेट कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए, आप इसका अल्फा स्टिक कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, और बहुत सारी चीज़ आपको यहाँ से करने को मिल जाएगा। बाकी आप जाके यहाँ पे आप अपना कलर कैसा रखना है उस कलर को आप सेट कर सकते हो यहाँ से जाके। ठीक है, आप कलर को कैसे मिलाना है राइटिंग का कलर को, जाके आप यहाँ से सेट कर सकते हो, पूरा कलर आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो, मिला सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो सारे। सो मैं आपको बस फॉर एग्जांपल छोटा सा मैं आपको ट्रिक बता दिया कि आपको बिहाइंड द ऑब्जेक्ट अपना जो टैक्स होता है उसे कैसे लगाना है। ठीक है, अब मैं इसे क्या करता हूँ, प्ले करके दिखाऊंगा। ये देखिए, आप प्ले करके यहाँ देख सकते हो, ये देखिए इस तरीके से हो जाता है प्ले।
ठीक है। तो मैं आपको फिर से प्ले करके दिखाता हूँ, ये देखिए आपका पूरा ऑब्जेक्ट के पीछे चला गया। लेकिन उसके लिए क्या होता है ना, आपका जो वीडियो होता है ना वो डार्कनेस होना चाहिए, ठीक है, आपका वीडियो डार्क होना चाहिए। अगर आपका वीडियो डार्क नहीं है तो आपको जो स्क्रीन है आपका फेस पे या आपका बॉडी पे दिखाई देगा, लेकिन आपका वीडियो जो है ना उसको डार्क होना चाहिए, ठीक है। डार्क में आपको पूरा आपका जितने भी टैक्स है वो आपके आगे चला जाएगा, आप पीछे आ जाओगे और आपको पूरा दिखाई देगा, ठीक है। इस तरीके से आप अपने वीडियो को शूट कर सकते हो, ये देखिए ये पूरा तरीके से आप यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। ये देखिए टैक्स बिहाइंड द स्क्रीन, आप इसे पूरा इस तरीके से लगा सकते हो। तो ये होता है आसान तरीका। और बाकी और भी ऑप्शन है, जब आप जैसे आप दिन में शूट करते हो वीडियो आप पूरा दिख रहे हो, उसमें आपको एडिटिंग करने का तरीका कुछ और है। अगर उसमें भी आप वीडियो बनाना चाहते हो, आप देखना चाहते हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स कर देना, उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो ये सिंपल तरीका आपको टेक्स्ट बिहाइंड द ऑब्जेक्ट कैसे एडिटिंग करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यूट्यूब से रिलेटेड टिप एंड ट्रिक्स वाला वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो ठीक है, आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। तो दोस्तों फाइनल हमने देखा कि हम अपने काइंड मास्टर पे एडिटिंग कैसे करते हैं टैक्स बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। इस तरीके का जो टैक्स होता है आप वीडियो पे भी डाल सकते हो। आप बाहर जाके एक अच्छी जगह पे वीडियो शूट कर लो, जैसे फॉरेस्ट का जगह हो या पार्क वगैरह हो या कहीं रोड पे हो, ठीक है, शूट कर लेना अच्छी तरीके से, और इस तरीके का टैक्स बना के अपने शॉर्ट्स वीडियो के लिए यूज़ कर सकते हो, इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए कहीं भी। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करना, और जैसे मैंने आपको बताया अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे को क्रेडिट दे सकते हैं, लेकिन कैसे, बस सब्सक्राइब करके। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे फिर से अच्छा सा टॉपिक लेके, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, हैव अ गुड डे।